हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं क्रिकेट की। अस्पताल से छुट्टी के बाद गांगुली ने बचपन के दोस्त के लिए लिखा भावुक पोस्ट। जनाब जी हां जनाब, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को गुरुवार को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त जयदीप को जीवन के कठिन दौर में साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया है। अस्पताल से निकलने के बाद गांगुली ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल आते हैं, यह सच साबित हुआ है। मैं अस्पताल और उत्कृष्ट देखभाल के लिए सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद है कि जल्द ही वापसी करूंगा। जनाब गांगुली ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त के लिए भावुक संदेश लिखा है। जयदीप, मैं तुम्हारे 40 साल से तुम्हें जानता हूं और अब तुम मेरे परिवार के सदस्य से कम नहीं हो, लेकिन तुमने इन 5 दिनों में मेरे लिए जो किया मैं उसे जीवन भर याद रखूंगा। अस्पताल ने बयान जारी कर कहा कि इलाज कर रहे डॉक्टर दादा के स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखेंगे, साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाए जाएंगे। हॉस्पिटल के CEO और MD डॉक्टर रूपाली बासु ने कहा कि दादा के स्वास्थ्य पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। बासु ने कहा कि 48 साल के दादा का अगला मेडिकल परीक्षण 2 से 3 हफ्ते बाद होगा। सौरव गांगुली को बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था, लेकिन उनके आग्रह पर एक दिन बाद गुरुवार को हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी गई। उन्हें शनिवार को दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। जाने माने डॉक्टर देवी सेट्टी ने मंगलवार को कहा कि सौरव गांगुली फिट है, अब वह फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं जैसा कि वह पहले थे। तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने अपने दोस्त के लिए लिखा एक भावुक पत्र। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जनाब जय हिंद, जय भारत।